नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल पे आप अभी नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वो भी फ्री में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे और मेरी वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। और आज मैं लाई हूँ झटपट बनने वाला स्नैक। अब वो स्नैक बनाने के लिए हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चलिए ये देख लेते हैं। हमें चाहिए होगा आधा कटोरी बचा हुआ चावल, और ये बचे हुए चावल में हमें आटा हमने थोड़ा सा लिया है एक कटोरी में, वो गेहूं का, और थोड़ा सा मक्के का आटा लिया है। दोनों आटों को मिला के हमने छान लिया है, ये छना हुआ आटा है। तो चावल, बचे हुए चावल में डाल देंगे हम ये आटे, और फिर उसके बाद हमें बारीक हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया है। आप लाल मिर्ची पीसी भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और एक चम्मच तिल कोई सी भी आप ले सकते हैं, हल्दी थोड़ी सी, नमक स्वाद अनुसार, ये भी आटे में डाल देना है सारी चीज़ें। और अब ये तेल हमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तेल हमारे स्नैक को करारे और कुरकुरे बनाएगा। तो चलिए ये मिला लीजिए अब ये सारी चीज़ों को हाथों से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इस तरीके से मसल लेना है। ये देखिए, हमने ये अच्छे से चावल और आटे और सारी चीज़ों को अच्छे से मसल लिया है इसमें डालकर। चावल को भी अच्छे से मसलना ज़रूरी है हमें, ताकि हम है ना इसमें बनाने सके हम। ये देखिए, और अब ये डो लगा लिया हमने इस तरीके से। हमें थोड़ा सा ही पानी डालना है, और आटे जैसा ये डो गूंदना है, हमें ढीला डो नहीं बनाना है, हमें टाइट डो ही बनाना है। ठीक डो बनेगा ना तो ही आपके स्नैक मतलब अच्छे बनेंगे, करारे बनेंगे। और ये थोड़ा सा लीजिए आटा, थोड़ा सा लिया है हमने, और इसमें अब ये देखिए हमने इस तरीके से मतलब ये ऐसी लंबी इस तरीके से हमने बना लिया है, हाथ की हथेली से चपटा कर लिया। तो इस तरीके से आप चपटा कर लीजिए, और आप चाहे तो आप गोल बाल भी बना सकते वैसे इसकी। और ये देखिए, अब हमें डिजाइन डालनी है हमने इस पर, तो हम क्या करेंगे, हम इसने डिजाइन वाले बना रहे हैं। तो हमने ये झारा लिया जो अपना जिससे पूरी भजे वगैरह तलते हैं अपन, ये वो झारा है। उस झारे को हमने ओंधा करा है, और ओंधा करके वो जो चपटा करी हुई अपनी थी ना टिक्की, उसको हमने दबा दिया थोड़ा सा, हल्के हाथ से दबाना तो ही डिजाइन बन जाएगी। वो तो ये देखिए इस तरीके की साड़ी बना लीजिए ये। और अब ये आप देख रहे हैं ना प्लेन सिंपल में कि बिगड़ डिजाइन वाली, तो ये बिगड़ डिजाइन की भी आप बना सकते हैं। अगर आप झारे वाली डिजाइन नहीं बनाना चाहते तो बस लंबा रोल, थोड़ा सा रोल में थोड़ा सा लोया लेके और लंबा रोल कर ले करेंगे ना आप, और बस थोड़ा सा दबा दीजिए, तो ये इस तरीके की बिगड़ डिजाइन वाली भी बन जाएगी। जैसा आपको बनाना है आपके चॉइस के हिसाब से देख लीजिए। और अब हमें क्या करना है, तेल गर्म हो गया है, अब हमें ये डालेंगे हमारी डिजाइनर इसमें हम, और आँच धीमी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं करना है। अगर ज़्यादा तेज़ आँच कर देंगे तो ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमें क्या करना, हमें जलाना नहीं है, हमें करारी कुरकुरी करनी है, तो हमें जलाना नहीं है, सिर्फ हमें ब्राउनी करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं। और ये देखिए अब पलट देंगे हम, ये इस तरीके से हो गई है, ये देखिए अब इस तरीके से ये हो गई है ना, कितनी बढ़िया सी लग रही है ना। इस तरीके का कलर चाहिए हमें, एकदम ज़्यादा जला लेंगे ना तो फिर वो जला जला कलर लगेगा, जला जला टेस्ट आएगा, तो इसलिए आप ज़्यादा ज़्यादा ब्राउन नहीं करिए। ये और तैयार हो गई है, हमारे स्नैक तैयार हो गए। ये देखिए है ना कितनी जल्दी बन जाता है, और कितनी फटाफट से मतलब है ना बहुत झटपट बनने वाले स्नैक है ना। अब आप खाइए, इंजॉय करिए, और है और मेरे चैनल पे बने रहिए, और बाय फ्रेंड, अगली बार फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।